सो ऐसे अमेजिंग इंस्टा स्टोरीज बनाने के लिए आपको बस ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको पहले आपका प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन में जाना है एंड माइक्रोसॉफ्ट की ऐसा आपको डालना है। सो आपको ऑप्शन आ रहा रहेगा, तो इस ऑप्शन में ये आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके मोबाइल में। सिंपली आप इसका मीन्स ये देख सकते हो प्रोफाइल कैसा है, जिस आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है आपके मोबाइल में। एंड देन इसको आप इसको खोलना है ऐप को। फर्स्ट आपको फिर इनेबल कर देना है, सेकंड स्टेप आपको बस उसके ऊपर जाना है, थर्ड फिनिश अप कर लेना है। उसके बाद नॉट नाउ पे क्लिक करना है, नो कर देना है एंड आपका ये सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको ऐसी कुछ स्टोरी बनाने के लिए रहेगी, तो आपको जस्ट आपका इंस्टाग्राम खोलना है। सो मैंने आपका इंस्टाग्राम खोल लिया है, जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना, और बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ डालता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। सो आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और कंटेंट्स देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, रील वगैरह, तो वहाँ पे जाके सिंपली फॉलो कर देना। ये मेरा इंस्टा आई डी है सिद्धेश्वरी। सो आपको कौन सा भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेना है आपके हिसाब से, उसको शेयर कर देना है मीन्स ये स्टोरी के लिए। उसके बाद जस्ट आपको उसके ऊपर टाइप करके आपको बीचो बीच लगा लेना है फ़ोटो को मीन्स। उसके बाद आपको अल्फाबेट मतलब ए पे जाना है। उसके बाद आपको जस्ट स्माइल पे क्लिक करना है एंड उसका उधर पिन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, सर्च ओके करना है एंड कैमरे का ऑप्शन ऊपर ऊपर दिखाई देगा आपको, गॉट इट पे क्लिक करना है एंड अलाउ कर देना है। उसके बाद आप इसे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, स्माइली पे जाना है एंड देन पिन के ऑप्शन पे जाना है। आप आपके हिसाब से वहाँ पे फोटोज आपका जो गैलरी में रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करना है वो भी कैसे बता दो आपको, जिस उसके बाद टाइप कर लेना है एंड देन नेक्स्ट कर देना है आगे। सो ये पिक्चर ऐसा कुछ आ रहा रहेगा आपको। उसके बाद आपको आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, आपको जैसा अच्छा लग रहा है। सो मैं ऐसा एडजस्ट कर रहा हूँ एंड आप उसके मीन्स फर्स्ट फोटो क्लिक पर क्लिक करोगे तो वो बिहाइंड में चला जाएगा। सो आपको जस्ट प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जस्ट टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, स्माइली के ऑप्शन पे जाना है, पिन के ऑप्शन पे आना है एंड वापस से आपको ऐड फोटो पे जाना है। उसके बाद आपको जस्ट फोटो सिलेक्ट कर लेना है, दूसरा आपका कौन सा भी रहेगा वो, और उसमें ऐड कर लेना है मीन्स नेक्स्ट कर लेना है। आपका ये सेकंड पिक्चर भी आ गया आपके सामने, जैसे आपको एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से एंड देन अभी बहुत बॉम लग रहा है, आपको जस्ट एडजस्ट कर लेना है आपका हिसाब से एंड बस आपको फिर आईजी पे जाना है, आईजी न्यू पोस्ट डालना है वहाँ पे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगा रहेगा वो आपको चूज़ कर लेना है वहाँ से एंड जैसे आपके फ़ोटो पे ऐड कर लेना है। आप कैसे भी ऐड कर सकते हो और रिलेटेड ही फ़ोटो लेना, ऐसा मीन्स दूसरे मत लेना। सो आपको जहाँ एडजस्ट करना है वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ऐसा एडजस्ट कर सकते हो आप कुछ भी, और ये बॉम्ब लगता है इंस्टाग्राम स्टोरी पे, आपके रीच भी बहुत बढ़ सकते हैं इसके हिसाब से। सो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना है आपको उसमें ऐड करने के लिए। ये बहुत प्रॉपर दिख रहा है। देन सेकेंड आपको ऐसा कुछ करना रहेगा, तो आपको जैसे आपके सिंपली फ़ोटो पे जाना है, सेम फ़ोटो आपको लेना है, आप स्टोरी में ऐड कर रहे होगे तो सेम फ़ोटो आपको लेना है, जैसे आपको ऐसा मिलेगा ऐसा कर देना है एंड देन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है आपको वापस से, आपको जिस कॉर्नर पे लगा देना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है, स्माइली पे जाना है, पिन पे जाना है। उसके बाद आपको फ़ोटो चूज़ कर लेना है, वही टाइप का आपको फ़ोटो चूज़ कर लेना है मीन सेम फ़ोटो लेना चाहिए बैकग्राउंड में भी पीछे। सो अभी जैसे आपको वही आपको फ़ोटो चूज़ कर लेना है
एंड देन नेक्स्ट कर देना है, आपके सामने आपका फ़ोटो आ जाएगा, उसको जूम कर लेना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आपको जस्ट उसको स्मॉल कर देना है एंड आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आपको। मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। सो आपका एडजस्ट कर लेना है एंड देन आपको जस्ट इसके ऊपर जाना है, IGF के ऊपर जाना है। आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मींस आपके फ़ोटो में जो ऐड करते हैं आप, ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो आपको जो अच्छा लग रहा रहेगा वैसे आपको ऐड कर लेना है आपके स्टोरी पे। अब मेरे को ये अच्छा लगा सो मैं अभी ऐसे ऐड कर रहा हूँ। आप कौन सा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, और वो भी बॉम दिखता है। सो आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे, सो सिंपली आपको जो अच्छा लगे वो ऐड कर लेना है एंड आपका इससे भी क्रिएटिव स्टोरी बन जाता है। सो अभी सेकेंड थर्ड ये आपको ऐसा स्टोरी चाहिए तो आपको जस्ट दो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये एक मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया एंड ये दूसरा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद आपको आपके स्टोरी पे आने के बाद आपको जस्ट आपका एक स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है एंड देन आपको सेकेंड स्क्रीनशॉट आपके टेक्स्ट में जाके, स्माइल में जाके, पिन में जाके, आपको प्लस में ऑप्शन में जाके आपको सेकेंड भी ऐड कर लेना है। आपको जो सेकेंड भी ऐड कर लेना है एंड जैसे आपको वापस फिर सेम कैटेगरी का फ़ोटो चाहिए आपको उसके लिए पीछे। सो आपको सेम वैसे ही टेक्स्ट में जाके आपको कर लेना है आपके हिसाब से। सो अभी टेक्स्ट में जाना है, स्माइली पे जाना है, पिन पे जाना है, उसके रिलेटेड फ़ोटो या फिर अलग फ़ोटो आपको ले लेना है, उसके पीछे बिहाइंड द पीछे डालना है, ऊपर लगाना है जैसा आप पहले के स्टोरी में देखा था वैसे आपको करना है। आपको एकदम प्रॉपर आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है एंड ये भी बहुत क्रिएटिव लगता है एंड इसके अंदर वो बहुत सारे ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो कूल लगने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।